वसीम मेरे साथ हैं। वसीम, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो फ़र्क नज़र आया पिंडी से कराची में टीम में, वो था फील्डिंग, और काफ़ी शानदार फील्डिंग रही है। लगता है बहुत ज़्यादा काम किया, स्पेशली जो इतनी इंपॉर्टेंट विकेट थी, ब्लंडल की रन आउट था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, हम थोड़ा वर्क करते हैं ना फील्डिंग पे। बैडमिंटन भाई अभी हमारे साथ जो कोच है, वो काफ़ी वर्क किया दो दिन इधर फील्डिंग पे, तो इसलिए थोड़ा इम्प्रूव हुआ फील्डिंग, तो हम काम करते हैं इस पर। तो जब रन आउट की बात की, तो फास्ट बॉलर की तो आम तो माशाल्लाह बहुत तेज़ होते, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा भी दिए, तो मेरे आम थोड़ा तेज़ है, तो इस तरह वजह से वो रन आउट होंगे। अच्छा, फास्ट बॉलर्स का आम तेज़ होता है, लेकिन पुराने ज़माने में फास्ट बॉलर्स को थर्ड मैन फाइनल लेग पे खड़ा करते थे, क्योंकि फील्डर इतना अच्छा नहीं माना जाता था। आपने जो कैच लिया, बड़ा शानदार कैच था, बहुत काम करते हैं एज फास्ट बॉलर्स भी डीप में फील्डिंग का। जी बिल्कुल, थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप बाउंड्री लाइन से थ्रो करते हैं, तो मुश्किल होता है, लेकिन हम काम करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं ना बॉलिंग और बैटिंग के साथ, थोड़ा फील्डिंग पे थोड़ा एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो इस वजह से थोड़ा इंप्रूव हुआ फील्डिंग। आपकी नसीम शाह से बड़ी अच्छी दोस्ती है, और आपने जो उनके साथ सेलिब्रेट किया था, नज़र आता है बॉन्डिंग जो होती है प्लेयर्स में आपस में। जी बिल्कुल, बॉन्डिंग तो सारे के साथ है, लेकिन नसीम के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो थोड़ा एंजॉय करता है इसके साथ, तो इस तरह है। अच्छा, इस फास्ट बॉलर थोड़ा सा बताइए, इतना ज़्यादा टी ट्वेंटी क्रिकेट होती है, तो बॉलर का माइंड सेट चार ओवर पर बना हुआ होता है, कितना फ़र्क लाना पड़ता है अपनी बॉलिंग में जब 10 ओवर क्रिकेट करनी पड़ती है। जी, इसके हिसाब से खेलते हैं क्योंकि T20 अलग फॉर्मेट है, तो इसके हिसाब से T20 मतलब थोड़ा तेज़ होता है ना, तो इसकी हिसाब से जो ODI फॉर्मेट आते हैं, तो इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है क्योंकि वो थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट होता है, तो इस सिचुएशन में। कोई ऐसा बैट्समैन जो आप कहते हैं कि थोड़ा सा तगड़ा है, इसको बॉलिंग करने के लिए 2 बार सोचना पड़ता है? जी बिल्कुल, अभी तक तो सारे तगड़े प्लेयर हैं, लेकिन केन विलियमसन को बॉलिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो थोड़ा। और नेट्स में अपनी टीम में बावर भाई जो बहुत डिफिकल्ट है, तो उसको बॉलिंग करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत क्लास है। चलिए वसीम, बहुत बहुत मुबारक हो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का पिछले गेम में, एंड गुड लक टू यू।